नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका अष्ट फ्रेंड कुमार सत्यम, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों जी, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो दिखेगा, क्योंकि आज की जो जानकारी है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया, अच्छे से एक एक बात को समझ लिया, तो 100% आपको इसका लाभ प्राप्त होगा, गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है, क्या होता है कि बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारी होती है जो छूट जाती है, आप लोग वीडियो को स्किप कर लेते हैं, उसके बाद में उपाय करते हैं, आप लोग को उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। आप कॉमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कितने लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। जो भी मैं रेमेडी देता हूं, जो उपाय देता हूं, 100% वर्क करते हैं। बस क्या होता है कि आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, बीच में जो कुछ मेन जानकारी होती है वो छूट जाती है और आप लोग उपाय करते हैं, आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। जो वीडियो पूरा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर उपाय करते हैं या कोई भी रेमेडी करते हैं, तो 100% रिजल्ट मिलता है। और आज मैं आपके सामने इतना ज्यादा बिल्कुल 100% वर्क करने वाला एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं, कोई आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट आपको ये वर्क करना है, 5 मिनट 21 दिन करेंगे और आपको बीच में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से काफी लोग शायद आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते होंगे, काफी लोग नहीं भी जानते होंगे, तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत, ये एक रेमेडी है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो आप हर वो चीज जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उनको आप रियलिटी बना सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक सक्सेस स्टोरी सुना देता हूं। एक व्यक्ति था, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था, उसका कोई भी काम कभी भी नहीं होता था, हमेशा जिंदगी में परेशान रहता था, बहुत मेहनत करता था लेकिन कभी उसको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता था। सब उसके जो रिश्तेदार थे, उसके जो भाई बहन थे, सब ने उसका साथ छोड़ दिया था, बहुत अकेला हो गया था। उसने क्या सोचा कि मैं इतना उसको मतलब जब ज्यादा ही परेशान हो गया तो वो एक जगह शांत बैठ गया। बैठने के बाद में उसने विचार किया कि मैं इतना ज्यादा नेगेटिव रहता हूं, मेरे साथ में इतनी परेशानियां लगी रहती हैं, क्यों ना मैं इन्हीं चीजों को पॉजिटिव उसमें बदलना शुरू करता हूं। तो बैठे बैठे उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं अपने आप को पॉजिटिव करूंगा। पॉजिटिव करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए उसने एक टेक्निक, उसको कुछ भी नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आकर्षण का सिद्धांत क्या होता है, कोई किसी ने उसको नहीं बताया था। उसके मन में खुद से ये विचार आया तो उसने क्या किया, सुबह उठ करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसने उठना शुरू कर दिया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच में वो उठ जाता था, 4 बजे उठता और 4 बजे जाकर बैठ करके अपने टेरिस पे अपने छत में बैठ जाता। सबसे पहले 5 मिनट मेडिटेशन करता। अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा है आपसे तो उसकी भी टेक्निक मैं बता दूंगा। तो मेडिटेशन करने के बाद में आकाश की तरफ देख करके सिर्फ वो 21 बार एक शब्द बोलता था, एक अफर्मेशन अपने आप को देता था, आकाश में देखता और बोलता था, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। आप ये भी बोल सकते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं। और हमेशा एक ही चीज हमेशा रिपीट करता था कि मैं मनी मैग्नेट हूं, मेरे साथ, मेरे पास में पैसा आकर्षित हो रहा है, मेरे साथ में पैसा आकर्षित हो रहा है। सिर्फ ये अफर्मेशन 21 बार वो बोलता था डेली। और उसके बाद में 11वें दिन में उसके साथ में मिरेकल होना शुरू हो गया, यानी कि चमत्कार होना शुरू हो गया उसकी लाइफ में। जो भी उसने एग्जाम्स दिए थे तो उसका कोई कॉल लेटर नहीं आया था, कोई भी उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब 11 दिन कंप्लीट होने के बाद में जहां जहां भी उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए जहां भी अप्लाई किया था, सब जगह से उसके पास में कॉल लेटर आना शुरू हुआ। तो उसके बाद भी उसने अफर्मेशन देना अपने आप को, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझना और ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से ये बोलना कि मैं सौभाग्यशाली हूं, ये उसने नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते जब 21 दिन पूरे हुए तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत ही बड़ी कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया और उसकी इनकम लाखों में होने लगी। और ऐसा करते करते जब उसके पास में पैसा आना शुरू हुआ तो जो भी उसके रिश्तेदार थे, जो भी उसको दोस्त थे, जो भी थे, सब उसके आगे पीछे घूमने लगे, यानी कि सब उसको पूछने लगे। तो ये चमत्कार कैसे हुआ दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ये शब्द बोलने से। और साइंस भी इस बात को मानता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का यानी कि 3 से 5 का जो टाइम होता है, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है। और साइंटिफिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस समय जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। और हम इस समय कोई भी अफर्मेशन अपने आप को देते हैं तो दिमाग उस समय क्या होता है कि एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी साइड टाइम पे हमारा जो अवचेतन मन होता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, ये एक्टिव होता है। और ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां होती हैं, ये समय एकदम पॉजिटिव होती है और एक्टिव होती हैं। हम जो भी बोलते हैं, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है, ये कंपन, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और उस समय यदि हम कुछ पॉजिटिव वर्ड बोलते हैं
अगर आपने बोला मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, तो ये कंपन सीधा जाता है ब्रह्मांड में, और उस समय जो एक्टिव होती है जो शक्तियां ब्रह्मांड की, जो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, ये आपके बॉडी को तुरंत कैच कर लेती है, क्योंकि उस समय 100% एक्टिव होती है। और इस समय जब आप बोलेंगे, कोई भी अफर्मेशन देंगे, कोई भी शब्द बोलेंगे फीलिंग्स के साथ में, भावनाओं के साथ में, उस चीज को सोच करके कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, कि आप क्या बोल रहे हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूं, तो अपने आप को आपको सौभाग्यशाली समझना है। और जैसे ही ये शब्द आप बोलेंगे, जब बार बार एक ही टाइम पे और ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ये लाइन बोलेंगे, ये अफर्मेशन आप बोलेंगे, तो ब्रह्मांड इन चीजों को तुरंत कैच कर लेगा। और जब आप बार बार बोलेंगे, तो जब एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जब 11वां दिन होगा, तो 11वें दिन से हल्का हल्का आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 21 डेज में आपको एकदम गारंटेड रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी तरफ वो चीजें आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी जो आप ब्रह्म मुहूर्त में बोल रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड वही चीज आपकी जिंदगी में रियलिटी बनाने लगेगा। क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में जो चीज बोलेंगे, तो उस समय तुरंत ही जो आपके शब्द के जो कंपन होंगे, जो आप बोलेंगे, जो आपके कंपन निकलेंगे, तो ब्रह्मांड तुरंत उन चीजों को कैच करेगा, और वही चीजें आपको जब बार बार बोलेंगे तो रियलिटी बना देगा। तो आप एक अफर्मेशन बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है, सबसे पहले आप टेरिस पे कहीं पे बैठ जाएं, आप 3 से 5 के बीच का ही टाइम रखेंगे, हो सके तो 4 बजे का टाइम भी रख लें, या फिर 5 बजे के बाद इस टेक्निक को ना करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैठ जाना है। अब मेडिटेशन अगर आपको करते नहीं बन रहा है, तो दोस्तों जो हम गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारे माइंड तक, दिमाग तक एक सिग्नल जाता है कि हम रिलैक्स होना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पालथी मार करके बैठ जाएं, और ये दोनों उंगली को ऐसे करके और अपने घुटनों पे रख लें। घुटनों के रखने के बाद में एक गहरी सांस अंदर खींचेंगे, 5-10 सेकंड के लिए उस सांस को रोक लें, फिर धीरे से उसी सांस को आप बाहर छोड़ दें, फिर से अंदर खींचे, 5-10 सेकंड के लिए रोकें, फिर उसको बाहर छोड़ दें। ऐसा आप 11 बार करेंगे। जब 11 बार कर लेंगे, तो आपका दिमाग जो एकदम शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स हो जाता है, तो आपको आकाश की तरफ देखना है, और आपको पूरी भावनाओं के साथ में अपने आप को सौभाग्यशाली समझना है, कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। एकदम पॉजिटिव अपने दिमाग को रखते हुए और उसी चीज को फील करते हुए आप 21 बार बोलेंगे, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, 21 बार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको बोलना है, अगर आपको पैसे चाहिए, तो आपको वही अफर्मेशन देनी है कि पैसा मेरी जिंदगी में आकर्षित हो रहा है, पैसा मेरी जिंदगी में आकर्षित हो रहा है, मैं मनी मैग्नेट बन गया हूं। फील करते हुए उस चीज को आपको लगेगा कि हाँ, आपके पास में पैसा सच में आ रहा है, कहीं कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे ऑफर आ रहे हैं जिसके द्वारा आपके पास में पैसा आ रहा है। और आप बार बार, मतलब बोलना आपको ऐसे है कि आप सुन सकें, और आपको किसी और को नहीं सुनाना है, सिर्फ आप सुन सके, ऐसा बोलना है आपको। ये बोलेंगे आप 21 बार में। और आप चाहें तो आपकी कोई, अगर कोई मनोकामना है, कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना है कि ये मेरी पूरी हो जाए, तो बस ब्रह्म मुहूर्त में इन चीजों को, जो भी मनोकामना है, ब्रह्म मुहूर्त में 21 बार 21 दिन आपको बोलना है। और बोलने के बाद में खुद देखिए दोस्तों, चमत्कार होगा आपकी जिंदगी में, जो भी चाहते हैं A to Z हर चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। काफी लोग दोस्तों लव अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं, आकर्षण का जो सिद्धांत होता है, कि यानी कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वही चीज ब्रह्मांड हमारी जिंदगी में रियलिटी बनाता है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों में से जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, और 5वां है आकाश। तो आकाश, 5 तत्व तो आपको पता है कि हमारे शरीर में है, लेकिन 5वां तत्व हमारे शरीर में कहां है, वो है हमारे दिमाग में। जैसे कि हम एक दाना अगर धरती में बोते हैं गेहूं का, या किसी भी चीज का, तो हजारों गुना मिलता है, वैसे ही हम जो भी सोच, जो भी हम यहां से सोचते हैं, तो आकाश में बोते हैं, और वही चीज हमें 1000 गुना वापस मिलती है। तो सारा खेल हमारी सोच का है, सोच ही हमारा निर्माण करती है। और ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, वो इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है, कि आप जो भी बोलेंगे, जो भी उस टाइम पे सोचेंगे, तो उसके बाद में वो चीजें आपकी जिंदगी में रियलिटी बनना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जब टेक्निक करेंगे, तो सबसे पहले ब्रह्मांड को आप धन्यवाद जरूर करें, जो भी आपके पास में है, A to Z, आप जिंदा हैं, आपकी आंखें खुल गई हैं, आप सांसें ले रहे हैं, आपके पास में घर है, 2 वक्त के लिए खाना है, कपड़े हैं, हर चीज के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे, तो ब्लेसिंग्स आएंगी आपके पास में, दुआएं आएंगी ब्रह्मांड से। और शिकायतें करेंगे कि आपके पास में ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपके पास में शिकायतें बढ़ती जाएंगी। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहें, किसी भी चीज के लिए शिकायत ना करें। आपके पास में कोई चीज नहीं है, तो उसकी आप लोग शिकायत मत करिए, जो आपके पास में है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, उसके लिए हमेशा धन्यवाद करिए, यूनिवर्स को, भगवान को धन्यवाद करिए, क्योंकि भगवान बिना किसी वजह के हमें कोई भी चीज कष्ट नहीं देते हैं। कोई भी दुख है, तकलीफ है, तो हमारे खुद के कर्माज हैं, हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके द्वारा हमें ये सब चीजें मिल रही हैं।
तो हमेशा भगवान को किसी भी चीज के लिए आपको शिकायत नहीं करनी है, हमेशा ग्रेटफुल रहना है, हमेशा थैंकफुल रहना है और धन्यवाद करते रहना है। और 21 दिन की जो मैंने आपको जो टेक्निक बताई है एक बार जरूर आजमाइए दोस्तों। ये चीज याद रहे कि आपको इसको एक भी दिन में आपको छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू 21 डेज करना है। और 21 डेज के बाद में आपको जब रिजल्ट मिलने लगे तो इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए कि आपको करना ही करना है ये चीजें। बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशन इस टाइम पे जो दोस्तों दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारी जिंदगी में जो भी चीज चाहते हैं असंभव से असंभव चीज भी हम हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने आपको सौभाग्यशाली समझना है और वो भी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। और ये टेक्निक को आपको आकाश ऊपर आपको देखते हुए बोलना है, आकाश की तरफ। उसके बाद में आप जो भी चाहेंगे ना दोस्तों 100% आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दया की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।